बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर्स अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर स्कीम। बेटा, ये वीडियो जो है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो उर्दू मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप बेटा इसको जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं तो पेपर में जो आपका MCQs का बेटा पोर्शन होगा उसमें आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसमें बेटा मैं आपके साथ जो है चैप्टर वाइज MCQs जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बुक के MCQs हैं पांचों चैप्टर्स के, वो डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट, गेस्ट पेपर्स और पेपर पेयरिंग स्कीम की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो बआसानी मिल सकें। स्टार्ट करते हैं बेटा, जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू पेपर स्कीम है उसके मुताबिक बेटा हमारे पास जो ये फर्स्ट वाला MCQs है, डैश से मुराद एक ऐसा काम या प्रोग्राम है जो हल तलब हो। तो बेटा मसले से मुराद जो है, इसी तरह अ प्रॉब्लम इज़ अ स्टेटमेंट आर वर्क दैट नीड टू बी सॉल्व, तो इसकी जगह क्या आना है बेटा आपके पास, प्रॉब्लम यानी डी वाला आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट जो सेकेंड वाला है उसका ये ए आंसर है, थर्ड का डी है, फोर्थ का डी है, फिफ्थ का डी है, सो ऑन बेटा, 6 है 7 है, सबके आंसर साथ दिए हुए हैं। आपने बेटा हर चैप्टर के 40 से 45 MCQs होंगे यानी 30 से 40 के करीब जो है राउंड ऑफ में जो है आपके इतने होंगे, किसी के 30 हैं, किसी के 35 हैं, किसी के 40 हैं। तो आपने ये 5 चैप्टर के जो MCQs हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे बेटा आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं एक एक करके ऊपर कर रहा हूँ, आपने इनको साथ साथ जो है वो याद करते जाना है। ये बेटा आपका 17, 18, 19 है, 20 है जिसका आंसर ये डी वाला है, नेक्स्ट 21, 22, 23 है, 4 है, 5, 6, 27 है, 8 है, 29 है, 30 है, सो ऑन बेटा आपके पास 34, 5, 6, 37 है, 38 है, 39 है, 40। ये बेटा लास्ट वाला है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। ये 40 MCQs हैं जो पहले चैप्टर के हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फर्स्ट वाला ये है, अददी निज़ाम अदाद व शुमार की नुमाइंदगी के लिए एक सिस्टम इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं, कौन सा सिस्टम कहते हैं, नंबर सिस्टम। इसी तरह बेटा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सो ऑन, आपके ये जो है चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो बेटा आपने इसमें इंग्लिश मीडियम में भी लिखे हुए हैं, उर्दू मीडियम में भी लिखे हुए हैं, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा जो है बेटा इसकी जो है आपके कंप्यूटर की पेपर पेयरिंग स्कीम, गेस्ट पेपर्स जो है, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो जो है बेटा वो मैंने इसी चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, तो उनको भी आप बेटा जो है वो चैनल में जा के जो है वो चेक कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप पेपर में जो है बेटा वो फुल मार्क्स हासिल कर सकें। 38 है, 9 है, 40 है, बेटा चैप्टर नंबर 2 के भी 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो उसमें फर्स्ट वाला जिसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ में, गेम्स में, ईमेल में, इंटरनेट में, हर चीज़ में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन बेटा, 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है 11 12 13, ये बेटा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपने इसको बेटा वीडियो को पॉज करके भी आप जो है कर सकते हैं, इसको तैयार वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बेटा किसी बच्चे को PDF फाइल चाहिए तो वो भी बेटा स्क्रीन पे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें कि आपको 9th क्लास कंप्यूटर साइंस जो है कंप्यूटर साइंस की MCQs की PDF फाइल चाहिए तो आप बेटा मुझे वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप पे भी। स्क्रीन पे मेरा नंबर नीचे नज़र आ रहा होगा आपको।
20 है, 21, 2, 3, 24 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 29 है, 30 है, 31, 32, सो ऑन बेटा। आपके पास ये सारे जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आपको 38 जो है वो नज़र आ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के, इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट बेटा जो हमारा सेकंड लास्ट चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है बेटा उसका आंसर ये वाला सी वाला है, उसके बाद सेकंड का ये वाला ए वाला है, इसी तरह बेटा थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सो ऑन। ये सारे बेटा आपकी बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं हर चैप्टर के MCQs हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आप पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। इसमें बेटा जो है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आंसर जो है वो ठीक ठीक ना हुआ हो तो उसको आप बेटा कर सकते हैं, बाज़ का जो है वो गलती से जो है वो, ये नहीं कि इसमें ज़्यादातर होंगे, कोई चंद एक जो है किसी एक का आंसर जो है हो सकता है कि गलती से गलत टिक का हो गया हो, तो वो आपने ज़रा अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। 23 है, 24 है, 25, 6, 27 है, सो ऑन बेटा। आपके पास ये चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, 35 है, 6 है, 7 है, 38 है, ये बेटा लास्ट वाला MCQs है चैप्टर नंबर 4 का। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो लास्ट वाला चैप्टर है आपका HTML वगैरह का, वेबसाइट्स का, उसका पहला है एक पैराग्राफ बनाने का टैग है, कौन सा टैग है बेटा, फर्स्ट वाला टैग भी पैराग्राफ का है और सेकंड वाला टैग भी पैराग्राफ का है, तो इसका मतलब आपके पास ये दोनों टैग जो है वो इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसमें बेटा आप इसका आंसर ये बी वाला भी लिख सकते हो और डी वाला भी लिख सकते हो, ए और बी दोनों। उसके बाद लाइन ब्रेक करने का टैग है बेटा आपके पास ये सी वाला बी आर का, सो ऑन बेटा। ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो MCQ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि बेटा आप पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। इसके अलावा बाकी जो है बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, पेपर पेयरिंग स्कीम, कंप्यूटर की, बायोलॉजी, जितने भी बेटा आपके 9th क्लास के या 10th क्लास के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का कोई भी सब्जेक्ट की आपको गैस पेपर्स की वीडियो, पेपर पेयरिंग स्कीम की वीडियो चाहिए हो या आपको बेटा न्यूमेरिकल चाहिए हो फिज़िक्स के, तो उनकी तमाम वीडियो जो है मैंने इसी चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, आपने बेटा वो उनको भी जो है वो वहाँ से देख के तैयारी कर सकते हैं। ये बेटा आपके पास 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, उसके बाद 38 है, 39 है, 40, 41, 42, 43, सो ऑन बेटा। आपके पास ये 46 लास्ट वाला आपका जो है आपकी बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, बॉडी सेक्शन इख्तिताम पज़ीर होता है वो बेटा इस टैग से होता है, तो ये आपके बेटा जो है वो इसका आंसर बेटा जो है बॉडी सेक्शन का जो है वो अख्ताम पज़ीर का जो है ना ये तो बॉडी स्टार्ट का है, तो इसका आंसर बेटा आपने ये सी वाला लगाना है, इसका जो बॉडी अख्ताम होती है वो इधर होती है, तो ये बेटा इन दोनों का आंसर वो डी वाला लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसमें बाज़ का जो है वो कोई आंसर गलत भी हो सकता है, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है बेटा, इसका अख्ताम पज़ीर होने का ये है, उसके साथ बेटा स्लैश लगता है बॉडी, साथ ये वाला स्लैश लगता है, ये बेटा बॉडी के इख्तिताम पज़ीर का, इसका ये आंसर नहीं है। आपने इसका ये वाला आंसर हरगिज़ नहीं करना, ये वाला को कट कर देना बेटा, ये वाला आंसर नहीं इसका आपने करना, उसके अलावा बाकी आपने जो है ये वाला आंसर इसका जो है ये ठीक होगा, इसलिए आपने इसको कर लेना है। ओके हो गया। तो ये बेटा आपके पास जो है 9th क्लास की जो आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक थी उसके चैप्टर वाइज हर चैप्टर के जो जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो MCQs थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि आप पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, और उसके अलावा बेटा इसको ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।